पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक सुनील वर्मा द्वारा आयोजित बालाजी महाराज के जागरण में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। कहा कि अखिलेश यादव बयां क्या बकते हैं, क्या सोचते हैं। सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करना उनकी मानसिकता को दोहराता है। सरदार पटेल ने देश की एकता अखंडता को कायम रखा। आज देश बचा है उसमें सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए 2022 में सपा के लिए कोई आशा का किरण नहीं है। मैं बताया कि बीजेपी ईमानदारी, विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर आगामी चुनाव लड़ेगी। बालाजी के जागरण में भक्ति गायक जसवीर सिंह लखा ने अपने गीतों के माध्यम से लोगों का मन मोह लिया और इस मौके पर बीजेपी सांसद राकेश वर्मा सहित बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब वो सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से कर सकते हैं, जो जिन्ना ने कत्लेआम करवा कर ट्रेनों में, आप देखे थे पाकिस्तान से कैसे लोग आते थे, सरदार पटेल ने राष्ट्र की एकता अखंडता को कायम रखा। आज देश बचा है तो उसमें सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और सरदार पटेल को जिन्ना से तुलना करना यानी उनकी मानसिकता को दोहराती है। उनकी मानसिकता यानी किस रास्ते पर राज्य और देश ले जाना चाहते हैं, यानी जिन्ना का समर्थन करने का मतलब आतंकवाद को समर्थन करना, आतंकवाद को सिमी को समर्थन करना, और उसी का उनकी मानसिकता रहती है आतंकवाद को छोड़वाने का काम की। इसलिए 2022 में दूर दूर तक सपा के लिए कोई आशा का किरण नहीं है। और आदरणीय योगी जी एक ईमानदार नेतृत्व है, परिश्रमी नेतृत्व है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और एक तरह का शासन प्रशासन अच्छा चल रहा है। और आम जनमान, दलित, शोषित, वंचित, गुंटांगिया, थारू, मुसहर, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी और गांव गरीब किसान खुशहाल है।